हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक के बारे में। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में जाना कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, मीन्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम पी एक्स से लिखते हैं कि पी एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x-3। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मीनिंग ये हुआ कि x की क्या वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। x की हम क्या वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो यहां से पॉलिनोमियल की वैल्यू कई बार तो हमें देखने से ही पता चल जाती है कि x की ये वैल्यू रख लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख दू 3x-6। तो अगर मैं यहां पे x की जगह पे 2 पुट कर देता हूं तो 3 2 6 6-6 जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो जो 2 है वो जीरो है इस पॉलिनोमियल की। अगर आपको डायरेक्ट देखने से नहीं पता चलता कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि इससे हमें इसकी जीरो पता चल जाए, इस पॉलिनोमियल की जीरो पता लग जाए, तो आप 2x-3 को जीरो के साथ इक्वेट कर दें। तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो जीरो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसकी जीरो है। आप रख के देखना चाहते हो तो रख के देख सकते हैं। जैसे हमारे पास पी एक्स है 2x-3, अगर हम x की जगह पे 3/2 रखते हैं इसमें, तो p x की जगह पे 3/2 मीन्स यहां पे पॉलिनोमियल, इसका p 3/2 का मीनिंग है पॉलिनोमियल की वैल्यू 3/2 पे। 2 × 3/2 - 3, इस 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 - 3 कितना आ गया, 0। तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 0 आ गई, इसका मतलब 3/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 है। तो ये तो केस हुआ हमारा किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, उस पॉलिनोमियल के लिए जिसकी जो डिग्री है, जो पावर है वो कितनी है, 1 है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, या कि जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, आप किसी भी चैप्टर को करो उसमें ये कहीं पे भी बीच में आ जाएगा। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए कहीं पे भी बीच में ये आ सकता है और आपको फिर इसको सोल्व करना पड़ सकता है। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो आज हम सीखेंगे साथ ही कि रिलेशनशिप जो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो डिग्री है, जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, फिर ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, b और c दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारे पास हमने जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब पोलोमेल के लिए हम पीएक्स लिख देते हैं, तो हम इसको पीएक्स इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जीरोस और उसके कोफिशियंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हमारे पास इसके रिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पीएक्स पीएक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे ए जीरो नहीं है, लिखो तो बढ़िया है, अगर ना लिखो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। देन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दैट इज इक्वल टू, ये है हमारे पास माइनस बी डिवाइड बाय ए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दैट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए। यहां पे आपके पास ये दो रिलेशनशिप है, तो ये दो रिलेशन है, एक किसके बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं, जीरोस के बीच में, देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और किसके साथ, कोफिशियंट्स के साथ। देखो यहां पे ए बी और सी कोफिशियंट्स तो है, तो यहां पे ए बी सी यूज हो रही है। तो ये हमारे पास दो रिलेशन है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पे क्या कहा गया है। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लेते हैं, एक सिंपल जो पॉलीनोमियल वो लेते हैं, हमने एक बिल्कुल सिंपल सा पॉलीनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिया है। सबसे पहले हम इसके जीरोज कैलकुलेट करेंगे, क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। आप इसके जीरो निकालेंगे, इसके जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहां पे सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। हमें इसके यहां पे जो एक्स की टर्म है इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इसके दो, इसको दो टुकड़ों में ब्रेक करना है, इसके टू पार्ट्स करने हैं, ऐसे टू पार्ट्स करने हैं कि इसका जो सम हो वो कितना हो, माइनस फाइव, इसका जो सम हो वो कितना हो, माइनस फाइव, और उसका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट करेंगे देखो, एक तो ये लेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, यहां एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इसका कोफिशियंट वन है, तो सिक्स की वन के साथ कितना आ जाएगा, सिक्स। रिपीट कर रहा हूं, हमें इसकी जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इस ये जो बीच में टर्म है एक्स की जो टर्म है इसके टू पार्ट्स करने पड़ेंगे, और वो टू पार्ट्स कैसे होंगे, उन टू पार्ट्स का जो सम है वो कितना होगा, माइनस फाइव, और जो प्रोडक्ट है वो इस पार्ट की और इसकी कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, यहां सिक्स है एक्स के का कोफिशिएंट वन है, तो सिक्स की वन के साथ सिक्स, तो ऐसे दो पार्ट्स आपको सोचने हैं। अब आप सोचे मैं अगर लिखूं थ्री और टू, थ्री की टू को प्लस करेंगे तो फाइव बनेगा और थ्री की टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स बनेगा। अब देखो प्रोडक्ट तो ठीक आ गई, थ्री की टू के साथ करेंगे सिक्स बनेगा, लेकिन प्लस आया फाइव और यहां पे है माइनस फाइव, तो मैं अगर इन दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देता हूं तो माइनस थ्री और माइनस टू सम कितना हो गया, माइनस फाइव, और अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं
दोनों की मल्टीप्लाई करूं, माइनस थ्री की माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के सिक्स हो जाएंगे। ठीक है, हो गई। अब आप ये इसकी जगह पे लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस, इनके साथ एक्स लगा के लिख दे क्योंकि एक्स भी तो था ना साथ में, माइनस के थ्री एक्स और माइनस के टू एक्स प्लस सिक्स। अब आप ये देखेंगे कि इस पार्ट में से क्या कॉमन है और इस पार्ट में से क्या कॉमन है। यहां से देखो x कॉमन है, यहां पे x रह गया क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस यहां पे x बाहर चला गया तो यहां पे माइनस थ्री रह गया। अब आप इस जगह पे देखें, यहां पे माइनस टू एक्स है और ये यहां पे प्लस सिक्स है। अंदर जो फैक्टर यहां पे आया है वो यहां पे भी सेम ही आया, तो मैं यहां से माइनस टू कॉमन ले लेता हूं, माइनस टू कॉमन ले लिया तो यहां पे जो एक्स बचा और टू टू इसमें से कॉमन लेंगे तो थ्री बचेंगे, और माइनस टू कॉमन लेंगे तो ये जगह पे माइनस की हो जाएगी। अब देखो इसको दूसरे तरीके से आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ब्रैकेट से बाहर आपने माइनस लिखा तो ये प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखोगे क्योंकि माइनस अगर हमने बाहर ले लिया है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टू की एक्स के साथ करेंगे तो माइनस टू एक्स, माइनस टू की माइनस थ्री के साथ करेंगे तो प्लस के सिक्स, तो ये आ जाएगा। अब यहां पे एक्स माइनस थ्री दोनों में कॉमन ले लिया और एक्स माइनस टू, अब जीरो निकालने के लिए एक बार एक्स माइनस थ्री को जीरो के साथ इक्वेट कर दो और एक बार एक्स माइनस टू को जीरो के साथ इक्वेट कर दो, माइनस थ्री इधर आके प्लस का थ्री हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, यहां पे एक्स इज इक्वल टू टू, ये दो जीरो आ गए। सो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज थ्री एंड टू या टू एंड थ्री, थ्री एंड टू। एक पार्ट तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि जीरो ही आए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब रिलेशनशिप निकालना है। तो यहां पे इससे जो आगे का पार्ट है वो मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे अब आप देखें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पहले इसको कंपेयर कर ले, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ वन है तो ए की वैल्यू वन आएगी, यहां एक्स के साथ बी है यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस फाइव है, कॉन्स्टेंट यहां पे सी है और यहां पे कॉन्स्टेंट सिक्स है, तो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरोज क्या है थ्री और टू, इनका सम कर दो थ्री प्लस टू कितना आ गया फाइव, ये आ गया हमारे पास फाइव। लेकिन कोफिशियंट्स के हिसाब से भी निकालते हैं, कोफिशियंट्स के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होती है, माइनस बी डिवाइड बाई ए। यहां से चेक करें कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल ये है हमारे पास माइनस बी बटे में ए, या बी बी देखो क्या है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय
ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, काफी बड़ा लिखना पड़ेगा, तो हमने पहले बता दिया कि ए बी सी हमारा ये है। अब आप देखिए इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे, माइनस तो पहले ही है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया फाइव। देखो जब जो जीरो थी उनको हमने प्लस किया सिंपली तब भी फाइव आया, और कोफिशियंट जीरो का जो कोफिशियंट के साथ रिलेशन है उसके तरीके से किया तब भी ये फाइव आया, तो यहां पे हम वेरीफाई कर रहे हैं साथ में। नेक्स्ट इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या है इनका प्रोडक्ट कर देंगे जीरो का, एक तो हमारे पास थ्री है एक टू है, तो प्रोडक्ट क्या था सिक्स आ गया, और कोएफिशिएंट के हिसाब से प्रोडक्ट निकाले अगर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है कोफिशियंट्स के हिसाब से, सी डिवाइड बाई ए, सी की वैल्यू सिक्स है, ए की वैल्यू वन है, तो सिक्स डिवाइड बाई वन यानी कि सिक्स आ गया। अब देखो जीरोज का किसी भी पॉलीनोमियल के जीरोज का और जो कोफिशियंट्स है उनका आपस में रिलेशन है, वो रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो हमने प्रॉब्लम ली है, इसको आप इस तरह से स्टेट कर सकते हैं, इस तरह से इसकी स्टेटमेंट हो सकती है कि फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सबसे पहले फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इस तरीके से हम जीरोज फाइंड करेंगे, ये हमारे पास जीरोज आ गए, यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आल्सो फाइंड द, आल्सो प्रूव द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एट द कोफिशियंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब इनके बीच में रिलेशन ये है, एक तो सम की बात हो रही है जीरो की, एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो जब सम की बात हो रही है जीरो की, सम ऑफ द जीरो दोनों को प्लस कर देंगे फाइव आया, और फॉर्मूला क्या है माइनस बी डिवाइड बाई ए, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए में बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, आ गया आंसर हमारे पास। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, प्रोडक्ट कर दी, और फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट के हिसाब से सी डिवाइड बाय ए, उससे भी निकाला तो दोनों से सेम आया। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशनशिप, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बीच में। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज में। फिलहाल हम बेसिक की बात करें लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इसी टाइप का है। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहां पे कुछ पार्ट हम छोड़ लेते हैं क्योंकि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की, तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब यहां पे देखो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सम हमें इस पार्ट के टू ब्रेक्स करने हैं, दो टुकड़े करने हैं, टू पार्ट्स लिखने हैं यहां पे इसकी जगह पे, इसका सम इतना हो
और प्रोडक्ट इतना हो। तो सम देखो एक्स के साथ कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वन है लेकिन साथ में माइनस भी है। और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, यहां पे माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, पिछली बार हमने वन लिया था, आपकी बार हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे टू है, तो यहां पे कितना हो गया माइनस ट्वेल्व। तो अब हमें ऐसे टू पार्ट चाहिए, टू नंबर्स चाहिए जिनका जब सम करें तो माइनस वन आए और प्रोडक्ट करें तो ट्वेल्व आए। अब देखो अगर हम फोर थ्री ले लें, प्रोडक्ट तो ट्वेल्व आ गया लेकिन माइनस का नहीं आया, और सम किया तो सेवन आया माइनस वन नहीं आया। मैं इसको माइनस फोर ले लूं तो माइनस फोर और प्लस थ्री को प्लस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, और माइनस फोर की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। दोनों ही बातें होगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे एक्स लगाकर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी माइनस फोर एक्स और प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स। इसकी जगह पे ये दोनों लिख देंगे एक्स लगा के। अब इस पार्ट में से कॉमन लेंगे और इस पार्ट में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो अंदर आएगा वो सेम होगा। यहां टू एक्स स्क्वायर है, यहां पे माइनस फोर एक्स है, तो टू एक्स कॉमन आ जाएगा, टू एक्स कॉमन आ जाएगा, टू भी दोनों में है एक्स भी दोनों में है, तो यहां पे एक्स रहेगा, टू टू या फोर टू रह गया, एक्स बाहर कॉमन आ गया। थ्री एक्स माइनस सिक्स में से थ्री कॉमन आ गया तो प्लस का थ्री कॉमन ले लिया हमने, यहां पे एक्स रह गया और थ्री टू या सिक्स ई आ गया। अब देखो एक्स माइनस, ये हमेशा सेम आएंगे दोनों। अब हमने एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास टू एक्स रह गया और यहां पे प्लस थ्री रह गया। अब जीरो के लिए हम इसको इक्वेट कर देंगे, एक्स माइनस टू को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं और टू एक्स प्लस थ्री को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से एक्स की वैल्यू टू आ गई, यहां से टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइड बाय टू। सो धीरे कर लेते हैं, सो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या क्या है, एक तो आई हमारे पास टू और एक है माइनस थ्री बाय टू। तो एक पार्ट तो हो गया हमारे पास जिसमें हमने जीरोज निकाल ली, अब इन जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालने के साथ के लिए सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, किसको, जो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब इसको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाती है टू, ए इज इक्वल टू टू, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस वन है, जाने के x का के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ माइनस नजर आ रहा था, इसका मतलब वन है ये, तो यानी कि माइनस वन। और c है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म माइनस सिक्स। अब फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इन दोनों का प्लस करना है, एक तो हमारे पास है टू प्लस एक है माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू इट मीन्स ये कितना है टू माइनस थ्री बाय टू, टू माइनस थ्री बाय टू, इसके डिवाइड में वन लगा लेते हैं और यहां पे हमने किया तो यहां पे टू एलसीएम आ गया, टू टू जा फोर माइनस थ्री, तो ये कितना आ गया वन बाय टू। तो सम ऑफ द जीरोस आ गया हमारे पास वन बाय टू। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, ये क्या होता है माइनस बी डिवाइड बाय ए, माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है माइनस वन है, तो यहां पे आप या तो माइनस वन लिख ले पहले एक बार या माइनस वन सीधा ही प्लस लिख दे, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया वन डिवाइड बाय टू, सेम आ गया हमारे, एक पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अब जीरोज का प्रोडक्ट करना है, एक तो टू है और एक माइनस थ्री डिवाइड बाय टू है, इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो माइनस थ्री रह गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हमारे पास माइनस थ्री जीरोस के हिसाब से। अब कोएफिशिएंट के हिसाब से क्या है सी डिवाइड बाय ए, सी डिवाइड बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स,
ए की वैल्यू कितनी है, टू, टू वन जा टू और टू थ्री जा सिक्स, तो ये माइनस थ्री आ गया। तो आप देखिए प्रोडक्ट भी हमारा सेम आ गया। इस तरह से आप जो जीरोज हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जीरोज और कोफिशियंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कुछ इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। ये तो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब एक केस और है कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे बनाएंगे। यहां पे हमने सीखा ना कि किस तरह से हम जीरोज निकाल सकते हैं, किस तरह से हम जीरो निकाल सकते हैं। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि किस तरह से हम जीरोज निकाल सकते हैं और किस तरह से सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। तो अब इसका रिवर्स है, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, कि अगर हम लिखें कि हमारे पास सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, हमें पता है उसका सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हमें पता है, और ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये भी आपको पता है, पॉलीनोमियल ये भी आपको पता है। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे बनाना है। देन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख रहे हैं, सिर्फ सम ऑफ जीरोज लिख रहे हैं, इसके साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसको बना सकते हैं। अब जैसे हमने इसको छोटा कर लिया था यहां पे, नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ता कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया था, तो इसका भी शॉर्ट बना सकते हैं हम। तो इसको अगर हमें शॉर्ट बनाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम को आप एस से लिख लो और प्रोडक्ट को पी से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, बहुत छोटे तरीके से आप इसको लिख पाओगे। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, तो इस वाले पार्ट के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास अगर हम लिखें कि प्रॉब्लम गिवन है, इफ द सम ऑफ जीरोज एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, तो ये गिवन है हमारे पास आर सिक्स एंड एट। फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी पे बेस है हमारे पास। देखो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, हमारे पास गिवन है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना गिवन है? सम ऑफ जीरो, पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, सम गिवन है एट। इसी तरह से गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये गिवन है हमारे पास। सॉरी सम तो हमारे पास सिक्स है, सम हमारे पास सिक्स है और प्रोडक्ट हमारे पास एट है। अब हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको छोटा लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस सम ऑफ जीरोज के लिए, तो यहां पे आप इसको किसके साथ इक्वेट करोगे? एस के, यानी कि ये एस है और पी प्रोडक्ट है, एस स्टैंड्स फॉर सम, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दे बस, तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, एस की वैल्यू सिक्स है तो माइनस तो रहेगा, एस की वैल्यू सिक्स है, अगर ये माइनस सिक्स होता तो ये प्लस हो जाता, तो ये सिक्स एक्स प्लस पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, पी की वैल्यू एट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं तो हम पॉलिनोमियल किस तरह से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से निकालेंगे। इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ऐड कर देते हैं, वो आपका एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। एक प्रॉब्लम हमने और ली है, अब की बार है कि इफ यहां पे कुछ भी आप किसी भी टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, माइनस थ्री एंड माइनस टू आर दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माइनस थ्री एंड माइनस टू आर दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्या चेंज किया इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए ही होता है। और यहां भी क्या गिवन है? जीरोज गिवन है, ना तो सम गिवन है ना प्रोडक्ट गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन गिवन
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या है माइनस थ्री एंड माइनस टू। अब की बार जीरोज बता दी तो जीरोज बता दी तो हम इसका सम कर देंगे तो सम ऑफ जीरोज का पता चल जाएगा और प्रोडक्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इन दोनों का प्लस करना है माइनस थ्री और प्लस माइनस टू यानी के माइनस के फाइव, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री की माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का सिक्स आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ नीचे शायद आपको नजर ना आए इधर कर लेते हैं। फॉर्मूला तो हमारा यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, इसमें रख देते हैं। अब क्या करेंगे ये लिखने के बाद, यहाँ लिखने के बाद चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ज्यादा सा स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब देखो आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू देखो कितनी है, एस की वैल्यू है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव लिखेंगे और माइनस पहले है तो प्लस का फाइव हो जाएगा, और पी की वैल्यू कितनी है सिक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे आप इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। देखो हमने यहां पे मेनली तीन तरह से क्वेश्चन किए, एक तो क्या जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है उसके जीरोज निकाली और जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को निकाल सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आपके पास जीरोज गिवन है तब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हो। कैसे, पहले उनका सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें जब हम कर रहे हैं तो यहां पे एस के आगे माइनस है फॉर्मूले में और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई माइनस फाइव, तो एस माइनस है और ये माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो प्लस के फाइव हो जाएंगे। पी की वैल्यू हमारे पास प्लस के सिक्स, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हुआ एक्सरसाइज 2.2 के लिए बेसिक, और इस बेसिक की सहायता से आप एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को और वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों को के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।